केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम रन के दूसरे चरण का शुभारंभ मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया फ्रीडम रन में भाग लेकर इसकी शुरुआत की। यह अभियान देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव का ही एक हिस्सा है जो इस वर्ष 2 अक्टूबर तक चलेगा। अनुराग ठाकुर ने देश के सभी लोगों से फिट इंडिया फ्रीडम रन में भाग लेकर अपने आप को स्वस्थ रखने का आह्वान किया। उन्होंने लोगों को फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज का मंत्र भी दिया। आजादी का अमृत महोत्सव, इसको मनाने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल विभाग ने देश के कोने कोने में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की आज लॉन्च की है। 75 ऐसे आइकॉनिक लोकेशंस पर आज इसको लॉन्च किया गया है। 13 अगस्त से 2 अक्टूबर तक इसको चलाया जाएगा। देश के 744 जिलों के हर जिले के 75 गांव में हर गांव के 75 युवा कम से कम इसमें भागेंगे और वो 75 युवा फिर बाद में हर परिवार तक पहुंचेंगे कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज इस मूल मंत्र को लेकर जाएंगे ताकि अमृत महोत्सव के समय जो प्रधानमंत्री जी का संदेश है न्यू इंडिया फिट इंडिया नया भारत सशक्त भारत स्वस्थ भारत इसको लेकर हमें जाना है और इस संदेश को हम जन जन तक पहुंचाएंगे और जन भागीदारी के कारण इसको जन आंदोलन भी बनाएंगे। जन आंदोलन फिटनेस का रहेगा ताकि देश की युवा पीढ़ी फिट हो। एक और जहां पोषण अभियान के माध्यम से कुपोषण मुक्त भारत बना रहे हैं वहीं दूसरी ओर फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 में लोगों से आह्वान कर रहे हैं संस्थाओं से आह्वान कर रहे हैं कि आप आइए व्यक्तिगत रूप से लोगों को जोड़कर अपने मनपसंद जगह पर मनपसंद खेल खेलने पर या मनपसंद कुछ भी कार्यक्रम में जुड़ के आप अपने मनपसंद समय पर ही रोज फिटनेस का डोज आधा घंटा लीजिए ताकि आप स्वस्थ रह सकें बाकियों को भी जागरूक कर सके और इसको करके आप अपलोड कीजिए फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 में। हमें प्रसन्नता है कि देश भर में युवाओं में बहुत जोश है, वो खुद भी फिट रहना चाहते हैं, देश के लोगों में जागरूकता भी फैलाना चाहते हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव में जुड़ना भी चाहते हैं और आज पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेकर नेहरू युवा केंद्र से लेकर NSS के बच्चों से लेकर हमारे बाकी युवा भी देश भर से जुड़े और अगले कुछ दिनों के अंदर 2 अक्टूबर तक देश के हर जिला से हर गांव से इसमें लोग जुड़ेंगे। और पिछली बार हमने 5 करोड़ लोगों को जोड़ा था, इस बार कम से कम 7.5 करोड़ लोग सीधे तौर पर इससे जुड़ने वाले हैं और मुझे पूर्ण आशा है जब तक ये कार्यक्रम होगा ये संख्या इससे भी बड़ी हो जाएगी।